वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीएस फिजिक्स। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एरर्स के बारे में पढ़ाई की थी कि एरर्स क्या होता है, मीन एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, नंबर ऑफ थिंग्स हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि एरर्स पे डिपेंड रहेगी और प्रीवियस ईयर्स के जे मेंस या नीट के एग्जाम में वो पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? अ पीस ऑफ मटेरियल एक्स इज गिवन टू अस मास ऑफ 40 ग्राम विद एरर ऑफ 0.4 ग्राम एंड इट्स वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर क्यूब विद द एरर 1 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डेंसिटी। अब हमें यहाँ पे फाइंड करनी है डेंसिटी। क्या फाइंड करना है? डेंसिटी, यानी कि एक्चुअली वी हैव टू फाइंड रो प्लस माइनस डेल्टा रो। दिस वी हैव टू फाइंड रो प्लस माइनस डेल्टा रो। दिस डेल्टा रो इज द एरर एंड रो इज द डेंसिटी। अब देखिए, मास एक्चुअली किस तरह से गिवन है? मास इज एम प्लस माइनस डेल्टा एम, यानी कि मटेरियल इज गिवन टू अस मास ऑफ 40 प्लस माइनस, ये हो गया 0.4 ग्राम। चलो, ये तो हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम देखेंगे वॉल्यूम के बारे में। वी प्लस माइनस डेल्टा वी, वी प्लस माइनस डेल्टा वी। सो वी इज गिवन एट 10 एंड दिस इज 1, देयरफॉर इट इज 10 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पहले फाइन करना पड़ेगा रो। अभी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अगर आपने देखा तो वो आएगा 40 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आएगा 10, यानी कि ये टोटल आ जाएगा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बोल सकते हैं हम लोग इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, रो का तो मैटर क्लियर होगा। अब हमें नेक्स्ट फाइन करना पड़ेगा डेल्टा रो क्या आएगा। ठीक है, डेल्टा रो के लिए देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज आप लोगों को बोली थी, अगर इस तरह से कुछ होगा तो हम इसी एक्सप्रेशन को अगर हमने इस तरह से लिखा, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस और माइनस प्लस, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। अब हमें फाइन करना पड़ेगा डेल्टा रो। रो कितना? 4। डेल्टा एम कितना था? 0.4 डिवाइडेड बाय एम इज 40 प्लस डेल्टा वी 1 डिवाइडेड बाय 10। अब इसे अभी सॉल्व करना पड़ेगा, डेल्टा रो अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.4 प्लस, इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 40, तो ये 4.4 डिवाइडेड बाय 4 वन जा 4 टेन जा, ये आएगा यहाँ पे 10। यानी कि इसी प्रकार से आपको सीधा डेल्टा रो की वैल्यू मिल जाएगी। 4.4 अपॉन 10 मतलब कितना आएगा? वो 0.44 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसी प्रकार से टोटल डेंसिटी फिर हमें कितनी मिलेगी? 4 प्लस माइनस 0.44। ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब इसी प्रकार से आगे भी, तो चलिए दोस्तों, अब इस वाले क्वेश्चन को भी देखिए। P इज इक्वल टू ए क्यूब बाई बी स्क्वेयर, परसेंटेज एरर इन P। अब हमें फाइंड करना है, ध्यान से देखिए, अब हमें इसमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन P। परसेंटेज एरर इन A इज गिवन एज 2% एंड परसेंटेज एरर इन B इज गिवन एज 3%। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? मैंने डिवीजन के बारे में आप लोगों को बोला था, पावर के बारे में भी आप लोगों को बोला था लास्ट लेक्चर में। फिर से एक बार लास्ट लेक्चर देख लीजिए और देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करना है। परसेंटेज एरर अगर कैलकुलेट करनी होगी तो हम लोग इसे बोलेंगे डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू पावर 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस और माइनस, वेरी गुड, प्लस एंड हियर इज 2 इन डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। इतना तो आप लोगों को आता होगा। ठीक है, ओके, ये तो सीधा रूल है, पावर को साइड में ले लो और फिर एरर ले लो। अब हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, यानी कि इंटू 100 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये एक ब्रैकेट बन गया, 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। चलो, ये भी बन गया। अब ए में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है? 2%, और बी में कितनी दी वाली? 3%। तो फिर डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू 2% प्लस 2 इंटू 3%, कितना आएगा ये? दिस इज 6% प्लस दिस इज 6%, सो टोटल एरर इज 12%। तो जो पी में एरर मिलेगी वो एरर कितनी रहेगी? 12%। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ओके? तो इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, x इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट डी। हमें परसेंटेज एरर इन x फाइंड करनी है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ए में जो परसेंटेज एरर दी वो 2%, बी में 1%, सी में 3%, डी में 4%, हमें फाइंड करनी है।
एक्स में परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग अभी इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए आंसर देखिए, एक्स इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी क्यूब अपॉन सी टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं, बिकॉज रूट है, रूट को हमने डी टू दी पावर हाफ लिख दिया। हमारा वही रूल डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये ए क्यूब थ्री डेल्टा ए बाई ए प्लस, माइनस नहीं आएगा, एरर कभी माइनस में नहीं हो सकती, मल्टीप्लीकेशन में लो, डिवीजन में लो, कुछ भी लो, सब सेम आएगा। अभी सी की पावर वन है तो वन इंटू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी, अभी डी की पावर तो हाफ है, वन बाय टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी। चलो यहाँ तक क्लियर। अब हमें चाहिए परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में क्या करना पड़ेगा, एलएचएस और आरएचएस दोनों को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे इस साइड मिलेगा डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, तो ये आ गई परसेंटेज। अब हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करते बैठेंगे, 3 इंटू, चलो ए में परसेंटेज एरर कितनी थी 2%, ठीक है, 3 इंटू बी में कितनी है 1% प्लस, ये तो 1 है, सी में कितनी है 3% प्लस 1/2 डी में 4%। इसे सॉल्व कर दो अभी, 6% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 2 1 2 2 प्लस, ये हो गया 2%, यानी कि 14% आपकी रहेगी एरर इन एक्स, कितनी रहेगी वो 14% रहेगी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आपको नीट में, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई मेंस में, लेटेस्ट क्वेश्चन हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन 2000 जेई मेंस, 2019 का जेई मेंस का सवाल है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पूरा तो नहीं लिखा, शॉर्टकट मारा है, आपको पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से, सिंपल पेंडुलम दिया है। हाँ, जो भी बच्चे अभी 10th पास बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, बिकॉज आप नीट तब देंगे जब तक आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस फिनिश होगा, ठीक है। आपको अभी ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होगा क्या नहीं ये लर्न करना पड़ेगा। हाँ, जो बच्चे अभी 11th हो चुके हैं या वो 12th में है वो लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल पेंडुलम दिया है, हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन जी। सिंपल पेंडुलम दिया है, यहाँ पे देखो उन्होंने लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ इज गिवन एंड टाइम इज गिवन, यानी कि कोई भी ज़्यादा सोचने की बात इसमें नहीं रह गई। टी इज इक्वल्स टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, यह फॉर्मूला तो सभी लोगों को पता है, स्क्वायर ले लो, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी, हमें चाहिए जी, यानी कि 4π स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। चलो, हमें जी की एरर चाहिए थी, हमने कन्वर्जन जी में तो कर लिया, अब आगे देखो क्या करना है। फिर से वही, ये जो 4π स्क्वायर रहेगा ये तो कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट में कैसी एरर आएंगे भाई, 4π स्क्वायर कैसे रहेगा, कॉन्स्टेंट, और उसमें एरर नहीं रहेगी। तो एरर आएगी ये लेंथ में और टाइम में, लेंथ में और टाइम में। तो फिर डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस और माइनस, प्लस एरर इज ऑलवेज एडेड डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है, ओके। हमें एरर इन जी यानी कि डेल्टा जी फाइंड करना है, जी की वैल्यू तो सबको पता है 9.8, ओके। चलिए अब देखो इसमें करना क्या है, जस्ट पुट द वैल्यूज, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना रहेगा, लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ, यानी कि देखो ये रहेगा 1 mm, कितना रहेगा ये 1 mm। अब एक काम करेंगे, ये सबका कन्वर्जन मीटर में कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सबका कन्वर्जन हम मीटर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 mm यानी कि यह आएगा 10⁻³। अब ये 55 सेंटीमीटर यानी कि 55 × 10⁻², प्लस 2 × लिस्ट काउंट ऑफ टाइम पीरियड 1 और इन 30 सेकेंड, यानी कि ये आ गया 30। बस आगे आप लोगों को सॉल्व करना है, आगे कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन से आप कर सकते हो। देखो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू ये माइनस 10⁻¹ अपॉन 55 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15। आप लोग इसे ध्यान से पूरी तरह से सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया जेई मेंस 2019 का, बाकी के कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो अभी, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, सीधा इस जी को वहाँ पे लेके जाओ, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा, ओके। सो दिस क्वेश्चन विल आस्क
वॉज आस्किंग, ये क्वेश्चन रहा भी 2015 मेंस का। देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसे ही था जो 19 में पूछा गया था, अब ये 2015 का क्वेश्चन है। टी इज इक्वल टू 2π√L/g। मैंने क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी है, आपको पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा। ओके, लेंथ 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। यहाँ इसी स्टेटमेंट में से आपको दो या तीन चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डेल्टा एल इज गिवन एज 1 mm, ठीक है, एंड एल इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। तो भाई कन्वर्जन करना पड़ेगा, 1 mm में दिया वाला, 1 सेंटीमीटर में। चलिए उसको बाद में देखेंगे। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स। यूजिंग 1 सेकेंड रिजोल्यूशन एक्यूरेसी इन जी इज, आप लोग नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सर टी इज इक्वल टू 2π√L/g। लेकिन आपने गौर से देखा तो यहाँ पे कैपिटल टी है, कैपिटल टी मतलब टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम टी लगता होगा तो एन ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम, सपोज हम इसे स्मॉल टी बोलेंगे, तो फिर स्मॉल टी इज इक्वल टू टी इन टू एन, तो इस टी की वैल्यू बन जाएगी टी डिवाइडेड बाई एन। बस यही एक ट्विस्ट था यहाँ पे, बिकॉज देखिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, 100 ऑसिलेशंस इज फाउंड टू बी इन 90 सेकेंड, तो हम इसे कैपिटल टी कंसिडर नहीं कर सकते, हमें कुछ अलग चीज करनी पड़ेगी। देखिए अब फिर से एक बार स्क्वायर कर देंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²L/g, देयरफॉर जी इज इक्वल टू 4π²L/t². अब हम यहाँ पे डायरेक्टली टी स्क्वायर नहीं कंसिडर कर सकते, बिकॉज कैपिटल टी मतलब क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 ऑसिलेशन, तो हमें इसका कन्वर्जन स्मॉल टी में कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी बाई एन, देखो फिर जी इज इक्वल टू 4π²L/t², जी इज इक्वल टू 4πn²L/t²। अब जाके ये पूरा कॉन्स्टेंट आएगा और अब आपको आंसर फाइंड करने का चांस मिलेगा। समझ में आए, बस यही एक ट्विस्ट थी इस क्वेश्चन में, आगे तो आप लोगों को आएगा। स्मॉल जी डेल्टा जी बाय जी डेल्टा एल अपॉन एल प्लस ये 2 डेल्टा स्मॉल टी डिवाइडेड बाय स्मॉल टी, ये वी आर नॉट कंसिडरिंग द कैपिटल टी, यहाँ पे हम स्मॉल टी कंसिडर करेंगे। भाई क्या कंसिडर करेंगे, स्मॉल टी। देखिए बच्चों स्मॉल टी एंड कैपिटल टी दोनों में का डिफरेंस आप एक बार समझ लीजिए। ओके, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसे हम कैपिटल टी कहेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 100 ऑसिलेशंस के बारे में बात की है। ठीक है, चलिए फिर डेल्टा टी कितना आएगा अब इसे एक बार देख लेंगे, मैं थोड़ा सा फाइनल कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, चलिए डेल्टा एल कितना है, 1 mm 10⁻³ डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻², प्लस 2 डेल्टा टी 1 डिवाइडेड बाय टी कितना है 90। सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बाकी अभी इसमें कुछ। चलो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क इन द 2017 एडवांस, ये 2017 का एडवांस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा इसलिए मैंने लिखा नहीं। उन्होंने दिया क्या है, सपोज 1 पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेल, एक वेल हम इस तरह से कंसिडर करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर एक पर्सन है ऐसे, उसने एक स्टोन लिया और उस स्टोन को पानी में फेंक दिया, ठीक है, उसके बाद में उसको उस स्टोन जो पानी में गिरेगा उसका आवाज कुछ ना कुछ तो भी सुनाई देगा। सपोज उन्होंने दी कि उसकी लेंथ है एल इज गिवन, हमें ये फाइंड करना है फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर कितनी होगी डेल्टा बाई एल की, ठीक है। चलिए सपोज नीचे जाने के लिए टाइम लगेगा T1, ऐसा हम कंसिडर करेंगे, ऊपर आने के लिए फिर से टाइम लगेगा T2, नीचे जाने के लिए T1, ऊपर आने के लिए T2। अब अगर हमने यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा काइनेमेटिकल इक्वेशंस, जो कि आप 9 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होंगी, यानी कि सपोज हम कंसिडर करेंगे सपोज एस इज इक्वल टू UT+ ½ gt², ये अगर टोटल 0 हो गया तो एस इज इक्वल टू आएगा ½ gt², यहाँ पे 1 आएगा। अब यस मतलब हम यहाँ पे एल कंसिडर कर रहे हैं ना, ½ g × t², therefore t²² इज इक्वल टू 2L/g, therefore t1 इज इक्वल टू √2L/g, यह आ गया हमारा टाइम पीरियड t1। तो ये तो टाइम था नीचे जाने के लिए, लेकिन ऊपर भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही ना, तो वो कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टोन तो ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर कौन जाएगा वो पर्सन तक, साउंड
ट्रैवल करेगा। तो साउंड का टाइम फाइंड करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो फिर टाइम हमें मिल जाएगा एल अपॉन वी। तो टोटल टाइम कितना आएगा, टी वन प्लस टी टू, यानी कि यहाँ पे देखिए अभी टोटल टाइम टी ओके इज इक्वल टू टी वन कितना है रूट टू एल अपॉन जी प्लस एल डिवाइडेड बाय वी। हमें यहाँ पे डोएल यानी कि डोएल डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल चाहिए, तो हमें यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए ओके यहाँ पे अगर हमने टी का लिया तो ये आ जाएगा सपोज सीधा डेल्टा टी कंसिडर कर लेंगे हम लोग ओके। ये रूट टू बाई जी तो कांस्टेंट रहेगा, ये रूट टू बाई जी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे ऊपर रहेगा रूट एल, यहाँ पे हम लिख देंगे सपोज ये रूट एल यानी कि एल टू दी पावर हाफ। तो इसका अगर हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करा तो कितना आएगा टू रूट एल, यानी कि देखिए इस तरह से आ जाएगा वो वन अपॉन टू रूट एल इंटू डो एल प्लस डो एल डिवाइडेड बाई वी, तो कांस्टेंट है वो भी रहेगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव किया। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन एडवांस का है तो थोड़ा बहुत तो मैथ्स आपको आना ही चाहिए ओके। चलिए अब देखो हम लोग इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी की वैल्यू शायद से दी है, ये दी 0.01 इज इक्वल टू रूट ऑफ टू, जी इज गिवन एज 10 ठीक है। चलिए डोएल अपॉन टू रूट 20, लेंथ 20 इज गिवन प्लस डोएल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज गिवन एज 300, वेलोसिटी कितनी दी हमें 300। चलो यहाँ तक तो क्लियर, अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अभी सॉल्व कैसे करेंगे, ये 0.01 हो गया, 2 1 2 5 ये 1/√5 1/20 यानी कि ये 5 × 20 कितना आएगा 100, तो इस तरह से आ जाएगा 1/√100 ठीक है इंटू डोएल डिवाइडेड बाय 2 डोएल डिवाइडेड बाय 2 प्लस डोएल अपॉन 300। अब ये 1/√100 मतलब ये कितना बन जाएगा सीधा 10, कितना हो जाएगा ये 10, 100 का स्क्वायर रूट अगर हमने लिया तो 10 बन जाएगा ठीक है। ये हम यहाँ पे रफ कर देंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं उसमें। देखिए 0.01 इज इक्वल टू ये 10 डोएल डिवाइडेड बाय ये 20 आ जाएगा प्लस डोएल डिवाइडेड बाय 300। 0.01 डोएल को कॉमन निकाल दो, 1/20 प्लस 1/300। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो या सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0.01 इज इक्वल टू डोएल, अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो देखो किस तरह से आएगा 300 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 300, ठीक तरह से जा रहे हैं ना सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं, नो यस गुड। चलो फिर देखो ये कितना आएगा, 0.01 इज इक्वल टू डोएल 320 20 इंटू 300, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा सीधा, यह आ जाएगा 16 या आ जाएगा 8 सॉरी यह आ जाएगा 10 ओके, फिर से आ जाएगा 5, यह आ जाएगा हमारा 8, यानी कि फाइनल अब हमें यहाँ पे मिलेगा देखिए 0.01 इज इक्वल टू डोएल, ये ऊपर था 8 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 30 × 5 यानी कि 50 ये आ जाएगा 150, ये कितना आ जाएगा 150। अब इसे इस साइड लेके जाओ यानी कि 0.01 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 8 ये आ गया डोएल, ये क्या मिल गया हमें डोएल। इसे अगर सॉल्व किया तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हमें मिलेगा 0.1 × 15 डिवाइडेड बाय 8 ये हो गया डोएल। लेकिन हमें डोएल नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए डोएल बाय एल, परसेंटेज एरर चाहिए, तो डिवाइड बाय एल और यहाँ पे भी डिवाइड बाय एल कर देंगे ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 0.1 × 15 20 8
तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, तो इसे फिर से एक बार ये आ जाएगा अपना डो एल बाई एल। ओके, अगर आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको फिर फाइनल आंसर मिल जाएगा, जैसे कि डो एल बाई एल इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 0.3 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100। तो इसे अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो ये मिल जाएगा सपोज 30 डिवाइडेड बाय 32, यस ना, यस। इसी प्रकार से अगर किया तो आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था जेई एडवांस 2017 का, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का हम यूज कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।